अब देखना यह है कि कितना स्कोर हो गया है चारों टीम्स का और कौन सी टीम खेलने वाली है हमारे साथ आज का गेम चेंजर। मुझे स्कोर कार्ड दिखाइए अभी तक का। 25 पॉइंट्स हैं चैंपियंस के, 18 पॉइंट्स हैं यूट्यूबर्स के, 13 पॉइंट्स हैं इंस्टाग्रामर्स के, 11 पॉइंट्स हैं टिकटॉकर्स के। इसका मतलब है इंस्टाग्रामर्स और टिकटॉकर्स दोनों बाहर हो गए हैं। मुकाबला रह गया सिर्फ दो टीम का, यानी कि चैंपियंस और यूट्यूबर्स का। लेकिन यूट्यूबर्स भी अगर जीतेंगे गेम चेंजर, उसके बाद भी हमें फर्दर खेलना पड़ेगा। तुम दोनों बराबर हो जाओगे पॉइंट्स टेबल के ऊपर, पहले वहां तक चले जाएं उसके बाद खेल लेंगे। आज चैंपियंस खेलेंगे हमारे साथ आज का गेम चेंजर। याद रहे टिकटॉकर्स भी बाहर हैं, इंस्टाग्रामर्स भी बाहर हैं, सिर्फ दो टीम्स इन हैं, एक टीम यूट्यूबर्स, और खेलेंगे आज टीम चैंपियंस। जल्दी से बताओ तुम्हारे कौन कौन से चार ब्रीफ केसेस, या यूं कहूं कि तुम्हारे चार चांसेस कौन से हैं, जल्दी बताओ। नंबर टू, नंबर टू दीजिएगा इन्हें, और बताओ। जल्दी जल्दी। नंबर फोर, नंबर फोर दीजिएगा इन्हें, और बताओ। जल्दी से। नंबर एट, नंबर एट दीजिएगा, आखिरी मौका, जल्दी से। नंबर वन, नंबर वन दीजिएगा टीम चैंपियंस। अब जल्दी से बताओ वो कौन सा ब्रीफ केस है जो तुम टीम टिकटॉकर्स को दोगे। याद रखो अगर इन दोनों में से भी कोई जीता तो तुम लोग जीत जाओगे, बताओ। नंबर थ्री, नंबर तीन देना टीम टिकटॉकर्स को, और बताओ आगे। इंस्टाग्राम, नंबर नाइन, नंबर नौ देना टीम इंस्टाग्रामर्स को। अब बताओ कौन सा ब्रीफ केस जाएगा टीम यूट्यूबर्स के पास। नंबर सेवन, नंबर सात देना टीम यूट्यूबर्स को। आइए शुरू करते हैं आज का गेम चेंजर। बताओ भाई कौन सा ब्रीफ केस ओपन करना है, जल्दी बताओ कौन से दो ब्रीफ केस, नंबर एक और नंबर एक और नंबर दो। लाओ भाई जल्दी से दोनों ब्रीफ केस ले आओ, नंबर एक और नंबर दो, मैं देखता हूं क्या क्या है। नंबर एक मैंने ओपन कर दिया और नंबर दो भी ओपन कर दिया। नंबर एक में क्या है ये बताता हूं, नंबर दो बाहर कर दिया। एक ब्रीफ केस और ओपन करोगे उसके बाद तुम्हारे पास पावर आ जाएगी स्वाप करने की, करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो नहीं कर सकते। लाओ भाई ब्रीफ केस नंबर आठ मंगाया है, आठ को ओपन करने से पहले एक बाहर हो गया। अब है ब्रीफ केस नंबर आठ, और आठ नंबर में क्या है तुम्हारे डिसीजन के बाद बताऊंगा। स्वाप करना है तो अभी करना है, नहीं करना तो फिर नहीं करना। जल्दी से बताओ क्या करना है। जल्दी जल्दी सोचो। वैसे इंस्टाग्रामर्स इस बार बहुत बुरा खेले, ये सीजन इंस्टाग्रामर्स बुरा खेले। बताओ भाई जल्दी से, आज सात मेरे ख्याल से मैचेस हो गए, तुम लोग एक दिन भी गेम चेंजर नहीं खेल पाए, सात मैचेस में एक दफा भी नहीं खेल पाए। हाँ भाई क्या कर रहे हैं जल्दी बताओ। नहीं करना सब। और चैंपियन ने बोला कि उनको स्वाप नहीं करना है। लाओ ब्रीफ केस नंबर चार, अब लाओ जल्दी से। नंबर चार ओपन करवाया है चैंपियंस ने, स्वाप की पावर इनकी खत्म हो गई। चार नंबर भी बाहर है। लाओ भाई ब्रीफ केस नंबर छह लेकर आओ। और आज क्या हुआ है जल्दी से इनको बताता हूं मैं। ब्रीफ केस नंबर नौ है, ये भी बाहर था, ये भी बाहर था। इंस्टाग्रामर्स हो गए बाहर। अब आपकी इत्तला के लिए अर्ज है लाइए पांच और छह नंबर। अब देखें आप क्या हुआ है आज, क्योंकि तुम लोगों ने स्वाप नहीं किया, ये ब्रीफ केसेस किसी काम के नहीं थे, ये जल्दी जल्दी ओपन करूंगा। पांच नंबर भी बाहर था, लाओ छह नंबर। और नंबर
और नंबर छह भी बाहर था, या फिर मैं यूं कहूं कि सिर्फ नंबर छह नहीं बाहर, ब्रीफकेस नंबर आठ मंगवाया था चैंपियंस ने और साफ नहीं किया। अभी तक बड़ी खुशी हो रही है और खुशी गायब हो गई। सात पॉइंट्स का डिफरेंस था। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने सारे ब्रीफकेसेस क्यों खोले, क्योंकि अगर सात नंबर में 10 लाख रुपए निकल गए हैं तो फिर मैं यहां ब्रेक लूंगा 2 मिनट का और जाके इसको दोबारा से शफल करूंगा, इसके नंबर सारे करूंगा ऐड, क्योंकि बहुत सारे ब्रीफ केस में माइनस के नंबर भी थे, सबको आगे पीछे करूंगा। 2 ब्रीफकेसेस तुम खुलवाओगे, 2 ब्रीफकेसेस यूट्यूबर्स खुलवाएंगे, जिसका अमाउंट ज्यादा आएगा, बल्कि 2 भी नहीं, 1-1 खुलवाओगे, जिसका अमाउंट ज्यादा आएगा वो जीतेगा, क्योंकि 3 नंबर तुम लोगों ने दिया था टिकटॉकर्स को और वहीं पर ब्रीफकेस नंबर 7 दिया टीम यूट्यूबर्स को। आई मस्ट से इस सीजन में भले ही स्टार्ट यूट्यूबर्स का किस्मत के लिहाज से बुरा हुआ हो, लेकिन अभी यहां पहुंचकर यूट्यूबर्स पता नहीं क्या हुआ है। हाँ बताता हूं अभी क्या हुआ है तुम्हारे पास। है क्या बोला माइक बोले जरा। हाँ बोलो सर, मैं मेरी प्रेडिक्शन है कि 3 में है, क्योंकि 3 पूरा टूर्नामेंट खाली निकला है। खाली निकला है, अच्छा ब्लैंक था सर। ठीक है, फिर आज तुम्हें लग रहा 3 नंबर में है, अगर नहीं है फिर हम थोड़ी लुट्टी डाल। नहीं, अगर तुम्हारा निकल गया तो मतलब चैंपियंस जीत गया, सही है? सही है। चलो एक बात पूछना चाहूंगा मैं टिकटॉकर से, आज का क्या कहना है तुम लोगों को? बड़ा बुरा खेले हो, अब कोई बात तुम्हारे पास कहने के लिए? बोलो माइक चल रहा है। सर अब इतना बुरा खेलने के बाद कुछ है ही नहीं। क्या हाँ क्या सर, बहुत बुरा खेला पता है, लेकिन इस वजह से कुछ है ही नहीं गया को। एक चीज तुम लोगों को बता दूं, क्योंकि ये सीजन मेरे ख्याल से 2 महीने का तो होगा एटलीस्ट, अगर कोई टीम 2 मैचेस नहीं जीती तो वह एलिमिनेटर से बाहर हो जाएगी। ओके, 2 मैचेस तो जीतने ही हैं यहाँ पर, उसके बाद क्वालिफाई करोगे। ये दोनों टीम्स तो कर चुकी हैं ऑलरेडी, अभी तक डिफेंडिंग चैंपियंस ने भी क्वालिफाई नहीं किया, तुम लोग तो जीते ही नहीं हो कुछ। इसलिए गाइस जितने जैसे जैसे आज 1 महीना ख़त्म हो गया, ये मैं ख़त्म हो गया, कल ख़त्म हो जाएगा, जून तुम्हारे पास बचेगा सिर्फ, यानी कि टोटल 12 या 13 मैचेस, उसमें से 2 जीतने लाजमी हैं। और तुम लोग तो हमेशा पहले या दूसरे नंबर पे रहते थे, इस बार पता नहीं क्या हो गया तुम लोगों में स्टिकामर्स। चलो भाई अब बताता हूँ मैं आपको कि आज की विनिंग टीम कौन सी है और हमें फर्दर खेलना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि 10 लाख 7 नंबर में नहीं थे, 3 नंबर में ही थे। और चैंपियंस आज गेम चेंजर हारे हैं, जीते नहीं हो तुम लोग गेम चेंजर, आज गेम चेंजर जीते हैं टिकटॉकर्स। हाँ, उनके 7 पॉइंट्स ऐड हो गए, इसके बाद जीत गए टिकटॉकर्स, लेकिन तुम लोग हार गए हो, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे तुम लोग पहले नंबर पर हो। तुम लोग 2 गेम चेंजर जीते हो, 3 मैचेस जीते हो, ये 3 मैचेस जीते हैं, 1 गेम चेंजर जीते हैं, ये पहले पे 3-3, 2 गेम चेंजर 1 गेम चेंजर। और मैं कल मिलने आऊंगा ठीक 7 बजे, देखते हैं कल इन दोनों टीम्स में से कोई टीम जीतती है या नहीं। तुम्हारे फैंस सब इंतजार कर रहे हैं, तुम्हारे फैंस बहुत सारे टिकटॉकर्स जो इंतजार कर रहे हैं कि तुम लोग कब जीतोगे। ठीक 7 बजे मिलते हैं, गेम शो ऐसे चलेगा।